क्या बदलेगी सरकारी स्कूलों की दशा? क्या सुधरेंगे सरकारी स्कूलों के हाल? सुविधाओं के अभाव में हुए खस्ता हाल, पर अब स्कूलों में निखरेंगे नौनिहाल। शिक्षा विभाग की एडॉप्ट स्कूल योजना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के हाल की। एक योजना जो बदल सकती है सरकारी स्कूलों की दशा। दोस्तों, राजस्थान में सरकारी स्कूलों के हाल सुधारने की कवायद में दशकों बीत गए हैं। कहीं हालत सुधरी तो कहीं व्यवस्थाएं धक्के खा रही हैं। हालांकि स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी प्रयास योजनाओं के जरिए सामने आते रहे हैं, लेकिन कोई भी योजना तब सफल होगी जब मजबूत इच्छा शक्ति हो, पर ऐसा हो नहीं पाता। सरकारी स्कूलों के हाल को सुधारने के लिए इस बार शिक्षा विभाग ने दृढ़ संकल्पित होकर एक नई योजना का आगाज किया है। ये योजना है एडॉप्ट स्कूल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने, नामांकन बढ़ाने और परीक्षा परिणाम में सुधार करने के साथ ही स्कूलों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए अब शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल गोद ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने 3 सरकारी स्कूलों को गोद लिया। जानकारी के मुताबिक DEO एलिमेंट्री जगदीश नारायण मीणा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवदासपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीराम की नांगल और राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापनगर स्कूल को गोद लिया है। मीणा के मुताबिक ये वे स्कूल हैं जहां पर नामांकन कम होने के साथ ही इनका परीक्षा परिणाम भी कम रहा, साथ ही आधारभूत सुविधाओं का विकास किए जाने की भी आवश्यकता है। ऐसे में गोद लेने के बाद भामाशाह की मदद से इनका विकास किया जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एडॉप्ट ए स्कूल योजना आखिरकार क्या है। देखिए, योजना के तहत विभागीय अधिकारियों को उन स्कूलों को ही गोद लेना होगा जिनका बोर्ड परीक्षा का परिणाम 50% से कम रहा। साथ ही ऐसे स्कूल जिनमें बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी, भवन, कक्षा, कक्ष, शौचालय, फर्नीचर आदि का अभाव है, ऐसे स्कूलों को गोद लेना होगा। इसके साथ ही गोद लेने के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या है वो भी आप समझिए। देखिए, गोद लेने वाले अधिकारी महीने में 2 बार स्कूलों का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्र के शुरू होने से पहले स्कूल प्रशासन के सहयोग से स्कूल के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे। वे इसके लिए भामाशाहों का भी सहयोग ले सकेंगे। क्लास में शिक्षण कार्य का निरीक्षण करेंगे और शिक्षकों को बेहतर शिक्षण के लिए संबलन और जरूरी दिशा निर्देश लिखित में प्रदान करेंगे। अधिकारी स्कूल अवलोकन के दौरान बोर्ड क्लास के साथ ही दूसरी कक्षाओं पर विशेष रूप से फोकस करेंगे, जिससे कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को आउटकम सीखने में वहां पर आ रही परेशानी को समझकर उसे दूर कर सकेंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षा में अध्ययनरत बच्चों का परीक्षा परिणाम भी बेहतर हो सकेगा। स्कूलों में खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक, विभिन्न प्रकार के क्लब इत्यादि वहां पर तैयार किए जाएंगे। शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों का गुणवत्तापूर्ण संचालन करवाना होगा। साथ ही गोद लेने वाले अधिकारी स्कूल के कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ेंगे, जिसमें उस कक्षा में स्कूल प्रशासन की ओर से की जाने वाली एक्टिविटीज के साथ ही बच्चों के रेस्पॉन्स का भी पता चल सकेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि स्कूलों का चयन कैसे होगा, यानी कि किन स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। ब्लॉक स्तर के अधिकारी को अपने ब्लॉक के स्कूल का चयन करना होगा, यानी कि उन्हीं के ब्लॉक में स्कूल का आप चयन करेंगे। संयुक्त निदेशक को संभाग स्तर पर 3 स्कूलों का चयन करना होगा। मुख्य जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा और प्राचार्य डाइट को अपने जिले के 3-3 स्कूलों को गोद लेना होगा। किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए सबसे जरूरी है कि वहां की युवा शक्ति काबिल हो, श्रेष्ठ। और युवा शक्ति काबिल और श्रेष्ठ तब बनेगी जब उनकी नींव मजबूत हो, और ये नींव मजबूत होती है स्कूलों में। शिक्षा विभाग की ये पहल सराहनीय है। उम्मीद करते हैं कि कागजों में ये अभियान जितना अच्छा नजर आ रहा है उतना ही धरातल पर भी इसे लागू किया जाए तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों का हाल सुधर सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।